नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। चुनाव प्रचार कमेटी के ऐलान के बाद कांग्रेस के अंदर फिर उठ सकता है बवाल। कांग्रेस हाईकमान ने कमेटी के नाम पर नेताओं को खुश करने का किया प्रयास। कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा पर लगाया धारा 118 के उल्लंघन का आरोप। प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में गैर हिमाचलियों को बांटी 135,000 बीघा भूमि। 1898 में बना हेरिटेज ओबेरॉय क्लार्क होटल भूस्खलन के कारण बंद होने के कगार पर। होटल के ठीक नीचे वकीलों के लिए बन रहे चैम्बर की खुदाई बना कारण। प्रदेश विश्वविद्यालय की SCA ने की कुलपति को हटाने की मांग। कुलपति पर विश्वविद्यालय के निजीकरण के लगाए आरोप। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अध्यक्षता वाली चुनाव प्रचार कमेटी के ऐलान से एक बार फिर कांग्रेस के अंदर बवाल खड़ा होने लगा है। इस प्रचार कमेटी में शामिल अधिकतर नेता ऐसे हैं जिनका खुद भी चुनाव लड़ना तय है। ऐसे में ये नेता चुनाव के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर शायद ही निकल पाए। कांग्रेस आलाकमान ने भले ही प्रदेश जंबो चुनाव प्रचार कमेटी को अपनी मंजूरी दे दी हो, लेकिन इस भारी भरकम चुनाव प्रचार कमेटी को कांग्रेस के ही लोग दबी जुबान हल्की फुल्की मान रहे हैं। इस चुनाव प्रचार कमेटी में कुल 21 सदस्य बनाए गए हैं। चार गुटों में बटी कांग्रेस के नेताओं को संतुष्ट करने के लिए आलाकमान ने ये लॉलीपॉप दे दिया है। आखिर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता वाली प्रदेश चुनाव प्रचार समिति को कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे ही दी। यह भारी भरकम चुनाव प्रचार कमेटी कांग्रेस के लोगों को गले से नहीं उतर रही है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो इस जंबो चुनाव प्रचार कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। भले ही पार्टी आलाकमान ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को इस चुनाव प्रचार कमेटी के जरिए क्यों ना संतुष्ट करने की कोशिश की हो, इस प्रचार कमेटी में शामिल अधिकतर नेता ऐसे हैं जिनका खुद भी चुनाव लड़ना तय है। ऐसे में ये नेता चुनाव के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर शायद ही निकल पाए। अहम पहलू ये है कि वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता वाली चुनाव प्रचार कमेटी में कुछ ऐसे बुजुर्ग नेताओं को शामिल किया गया है, या तो वे काफी समय से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, या फिर अस्वस्थ चल रहे हैं। यह किसी से छुपा नहीं कि प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को संतुष्ट करने के लिए इस प्रचार कमेटी पर अपनी सहमति दी है। चुनाव प्रचार कमेटी में कुछ युवा तुर्कों को भी शामिल किया गया है, मगर दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई युवा नेताओं का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में ये नेता दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए समय नहीं दे पाएंगे। पार्टी आलाकमान ने हिमाचल विधानसभा के लिए जो कमेटी बनाई उससे प्रदेश के कई नेता असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं, पर लगता ये है कि यह प्रचार कमेटी उनकी इच्छा से नहीं बनी है, जबकि विद्या स्टोक समर्थक सुखविंदर सिंह सुक्खू इस प्रचार कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने के बाद उन्हें प्रदेश चुनाव कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। अब पार्टी हाईकमान ने चुनाव प्रचार कमेटी का भी ऐलान कर दिया है। इस चुनाव प्रचार कमेटी में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, CLP नेता विद्या स्टोक्स, पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर, CWC सदस्य कर्नल धनीराम शांडिल, विधायक GS बाली, पूर्व सांसद चंद्र कुमार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संत महाजन, रतन सिंह, रंगीला रामराव, विधायक गंगूराम मुसाफिर, राकेश कालिया, राजेश धर्मानी, सुधीर शर्मा, कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश ठाकुर, उमा गौड़, लज्जाराम ठाकुर सिंह भरमौर, शिव कुमार उपमन्यु, मधुसूद व कमला प्रार्थी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने जम्बो चुनाव प्रचार कमेटी तो बना दी है, लेकिन यह कवायद कांग्रेसी गुटों को संतुष्ट करने के लिए ज्यादा नजर आ रही है। कमेटी के अधिकतर सदस्य चुनाव के दौरान शायद ही अपने क्षेत्र से बाहर निकल पाए। कैमरा पर्सन अनिश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने अपने इस कार्यकाल में धारा 118 का उल्लंघन करते हुए प्रदेश की 135,000 बीघा भूमि गैर हिमाचलियों को दी है। जोगिंद्रनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार यदि इस मामले में इतने ही पाक साफ है तो इसकी निष्पक्ष जाँच करवाए और इसमें प्रदेश की अवैध रूप से बेची गई जितनी भी जमीन निकले उसे अपने नाम करवाए। उन्होंने सरकार पर जोगिंद्रनगर में निर्माणाधीन ऊहल परियोजना की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में धारा 118 का उल्लंघन करते हुए प्रदेश की 135,000 बीघा भूमि गैर हिमाचलियों को दी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस मामले में इतनी ही पाक साफ है तो वो इसकी निष्पक्ष जांच करवाए। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जोगिंद्रनगर में निर्माणाधीन ऊहल प्रोजेक्ट की सुध नहीं ले रही, जिस कारण इसकी लागत आज 438 करोड़ से बढ़कर 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि जोगिंद्रनगर से प्रदेश सरकार में एक आला मंत्री है, लेकिन उन्होंने भी इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से भू माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है, बहुमूल्य कृषि भूमि गैर हिमाचलियों को जिस तरीके से धारा 118 की परमिशन दी जा रही है, ये भी बहुत गंभीर मसला है। हम कहते हैं कि कांग्रेस के वक्त में हुए चाहे इनके वक्त में हुए, इसकी बाकायदा जांच कराएं, जिम्मेवारी फिक्स करें और जो बेनामी सौदे हुए हैं उन जमीनों को सरकार जो है टेकओवर करें। 650-700 करोड़ का बनना था, हमारे वक्त में जो डिले होने के कारण तो 500 करोड़ था, अब वो प्रोजेक्ट जो है लगभग 1500 करोड़ आज की डेट में 1500 करोड़ से ज़्यादा का वो प्रोजेक्ट का जो बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जोगिंद्रनगर, 7C हिमाचल आजकल। परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि परिवहन निगम के बेड़े में 200 नई बसें शामिल की जाएंगी। सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महेंद्र सिंह ने कहा कि इनमें से 52 सीटों वाली 100 बसें शीघ्र ही निगम को मिल जाएंगी। इन बसों को लंबी दूरी वाले रूटों पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी में बस अड्डे का काम लगभग पूरा हो चुका है, अगले महीने इसको लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। महेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि अब की बार मंडी में केवल उन नेताओं को चुनावों के लिए टिकट दिया जाएगा जिनमें जीतने की क्षमता होगी। पार्टी के प्रदेश हाई कमांड का, प्रदेश हाई कमांड ने और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि जो विधानसभा का चुनाव 2012 में होने जा रहा है, उस चुनाव से पहले की तैयारियां हर मंडल में अभ्यास वर्ग शुरू किए हैं और ये सारे अभ्यास वर्ग जो हैं वो 11 तारीख से 20 तारीख तक चले हैं, जिसमें मंडी जिला का शुभारंभ जो है आज धर्मपुर से और गोपालपुर से हुआ है। आपके सामने हमारे कार्यकर्ता आए हैं, मेरे धर्मपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र मंडल में 97 पोलिंग बूथ हैं, हर पोलिंग बूथ से हमारे लगभग 15 से 20 कार्यकर्ता जो हैं आए हुए, और जो 15 से 20 कार्यकर्ता हैं उनमें ऐसा नहीं है कि केवल मात्र महिलाएं आई हैं या पुरुष आए हुए हैं, उसमें महिला मोर्चा के लोग भी हैं, युवा मोर्चा के लोग भी हैं, जनरल बॉडी भी हैं, हमारे अनुसूचित मोर्चा के लोग भी हैं, हमारे जो एक्सरिसमेंट सेल है उसके भी हैं और जो दूसरे हमारे प्रकोष्ठ हैं उन सबके कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करनी शुरू कर दी हैं। मंडी के सराज मंडल में भी विभिन्न पार्टियों की बैठकें हो रही हैं। इसी क्रम में सराज मंडल के कांग्रेस अध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने जंजहली में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहें, वहीं पर उन्होंने भाजपा को तीखे प्रहार भी किए। चेतराम ने कहा कि भाजपा के पिछले 4.5 सालों के कार्यकाल में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। श्री राहुल गांधी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, के उस फैसले का स्वागत करती है जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार का जो कांग्रेस पार्टी का जो टिकट वितरण होगा वो एक तो समय से पहले होगा ताकि उम्मीदवार को पर्याप्त समय फिल जाने का मिले, और दूसरे जो धरती पुत्र को जो टिकट देने का जो फैसला है ये, और तीसरे जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए ज़रूरी होगा कि वहाँ की मंडल कांग्रेस की जो
रिकमेंडेशन है, महिला कांग्रेस की है, सेवा दल की है, युवा कांग्रेस इत्यादि जो रिकमेंडेशन है, इन सब फैसलों का स्वराज कांग्रेस बहुत स्वागत करती है। चलिए बात करते हैं शिमला के ओबेरॉय क्लार्क्स होटल की। शिमला के ओबेरॉय क्लार्क्स होटल को भूस्खलन से पैदा हुए खतरे को देखते हुए इसे अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस हेरिटेज होटल के नीचे वकीलों के लिए चैम्बर बनाने का काम किया जा रहा है। बारिश के चलते यहां भारी भूस्खलन हो रहा है, इससे होटल के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। यही वजह है कि होटल प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर इसको बंद करना उचित समझा। उधर नगर निगम ने IIT रुड़की की उस रिपोर्ट को सरकार को भेज दिया है जिसमें खुदाई को तत्काल बंद करने की सिफारिश की गई है। शिमला में हाई कोर्ट के समीप बने ओबेरॉय क्लार्क्स होटल को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। सन 1998 में बने इस हेरिटेज होटल के ठीक नीचे वकीलों के चैम्बर बनाने के लिए खुदाई की गई है। इससे बारिश के दिनों में यहां भारी भूस्खलन हो रहा है और इसकी जद में होटल के आने की भी पूरी आशंका है। प्रबंधन के मुताबिक इंजीनियरों ने सुरक्षा की दृष्टि से होटल को फिलहाल बंद करने को कहा है। ऐसे में वह कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहते। होटल को बंद कर दिया और जितना गेस्ट हमारे पास थे और जो स्टाफ था वो हमने होटल से शिफ्ट कर दिया, दूसरे होटल में इवैक्यूएट कर दिया, होटल को खाली करवा दिया और होटल को बंद ऑपरेशन बंद कर दिया है। और ये जो है हमारे स्ट्रक्चर जो इंजीनियर है उनकी बेस्ड ऑन जो उनकी रिपोर्ट थी उस पे बेस रखते हुए हमने ये सब एक्शन लिया है। यही नहीं, भूवैज्ञानिक भी चैम्बर के लिए की जा रही खुदाई को अवैज्ञानिक मान रहे हैं। नहीं, इसमें तो यही था कि इसकी कटिंग नहीं करनी चाहिए थी। इसमें क्या है कि पहले जो टो थी टो प्रोटेक्ट होनी चाहिए थी, टो प्रोटेक्ट कर देते और फिर मलबा जो है वो उसमें वो जो आपने जो जहाँ पर ये देने थे आपने पिलर देने थे तो वहाँ पर वो पिट करते तो उसके बाद जो वो प्रॉब्लम इतनी नहीं है। उधर IIT रुड़की द्वारा तैयार खुदाई स्थल के निरीक्षण की रिपोर्ट भी आ गई है। निगम के अधिकारियों के मुताबिक इस रिपोर्ट में खुदाई के तौर तरीकों पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में इस खुदाई को बंद करने की भी सिफारिश की गई है। नगर निगम ने इस रिपोर्ट को कार्रवाई के लिए सरकार को भेज दिया है। रुड़की से हमने रिक्वेस्ट की थी क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी जब ये लैंडस्लाइड हुआ था और क्लार्क्स होटल को भी डैमेज हुआ था, मतलब उनको खतरा हो गया था बिल्डिंग को और नीचे सारा सड़क बैठ गई थी, तो उसके बाद उस स्तर पर यह निर्णय लिया गया था कि IIT रुड़की की टीम को यहाँ पे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए और उनकी राय ली जाए कि स्टडी किए। अब उनके पिछले कल ही हमारे पास रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। वो रिपोर्ट मैंने जो है सरकार को भेज दी है, चीफ सेक्रेटरी को और बाकी सब ऑफिसर्स को भेज दी है। उन्होंने कुछ टेक्निकल अपने सुझाव दिए हैं कि जियोलॉजिकल स्टडी कराया जाए, सॉइल का एनालिसिस कराया जाए, इस प्रकार के कुछ फैक्टर्स उन्होंने दिए हैं। अब देखना ये है कि सरकार इस रिपोर्ट पर क्या फैसला लेती है। विशाल ठाकुर, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।